हे माइंडफुल पीपल, सबसे पहले आप इन फोटोज को देखो। इन फोटोज में आपको किस किस तरह के इमोशंस देखने को मिल रहे हैं। क्या ये एक नेचुरल या न्यूट्रल रिएक्शन है? क्या ये दुखी है या फिर ये एक स्मार्ट लुक दे रहा है? ये बहुत ही अजीब से मिक्स्ड रिएक्शन है, राइट? लेकिन अगर हम इन्हीं फोटोज में इनके चेहरे पर थोड़ा सा आंसू ऐड कर देते हैं तो ये सब के सब एक ही इमोशन को दिखा रहे हैं और वो है सैडनेस। जब भी हम किसी ऐसे चेहरे को देखते हैं जिसकी आंखों से लिक्विड निकल रहा होता है तो उसे देख के हमारे अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस वाली फीलिंग आती है। अब चाहे वो चेहरा हंस ही क्यों न रहा हो, आंसू के निकलने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। हमारी आंखों को क्लीन करने के साथ साथ क्या इमोशंस, उसकी वजह से जो हमारे आंसू निकलते हैं, उनका कोई बायोलॉजिकल एडवांटेज है भी या नहीं? सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट अ डीप डाइव इनटू व्हाई वी क्राई, या फिर हमारी आंखों से आखिर आंसू निकलते क्यों हैं। मेनली हमारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं, बेजल टीयर्स, रिफ्लेक्स टीयर्स और इमोशनल टीयर्स। ये है तो तीन अलग अलग तरह के आंसू, लेकिन जो इनका मैकेनिज्म है, मतलब जिस तरीके से ये आपकी आंखों से बाहर निकलते हैं, वो मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, बस उनकी वजहें अलग अलग होती हैं। नंबर वन, बेजल टीयर्स। आपकी आई बॉल और आईलिड के बीच यहाँ पर एक लैक्रिमल ग्लैंड होती है जो बहुत ही कम अमाउंट में लिक्विड रिलीज करती रहती है, और जैसे ही आप पलक झपकाते हो तो ये लिक्विड आपके पूरे आई बॉल में इक्वली फैल जाती है और इसे ही हम बेजल टीयर्स कहते हैं। और अगली बार जब आप पलक झपकाते हो तो वो आपकी आंखों से नीचे की तरफ साइड में इस तरफ को पुश हो जाती है और वहाँ मौजूद पंक्ता उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है और दिन भर यही प्रोसेस चलता रहता है। आपकी आंखों में प्रेजेंट वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स के मिक्सचर से बना ट्रांसपेरेंट लिक्विड की कोटिंग कॉर्निया को ड्राई होने से बचाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप अपनी आंखों के पास पंक्ता को देख सकते हो। ये यहाँ पर साइड में इस साइड मौजूद होता है, मतलब यहाँ से लिक्विड निकलता रहता है लगातार और यहाँ नीचे की तरफ लगातार ये एब्जॉर्ब होता रहता है और आंखों पर लिक्विड की कोटिंग दिन भर चेंज होती रहती है। शायद आपने नोटिस भी किया होगा कि आपकी आंखें हमेशा हल्की एक लिक्विड से गीली रहती हैं, वो असल में बेजल टीयर्स ही होते हैं। फन फैक्ट, हमारी आंखें रोज करीब 150 से 300 ml तक बेजल टीयर्स प्रोड्यूस करती हैं। नंबर टू, रिफ्लेक्स टीयर्स। आप में से बहुत से लोग आज तक ये सोचते होंगे कि जब भी हम प्याज काटते हैं या फिर वहां पर बैठते हैं जहां प्याज कट रहा होता है तो हमारी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं, या फिर जब तेज हवा, धूल या धुआं हमारी आंखों में चला जाता है तो हमारी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं। वेल, इन्हें ही रिफ्लेक्स टीयर्स कहा जाता है। ये एक तरह से हमारा सर्वाइवल मोड होता है जिसमें आंखें बाहर से आए फॉरेन पार्टिकल्स को आंसुओं के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। जब हम प्याज काटते हैं तो उससे निकलने वाले इरिटेंट केमिकल्स आंखों की ऊपरी लेयर पर चिपकने लगते हैं और ऐसा होने पर कॉर्निया दिमाग को सिग्नल देता है कि उसे और ज़्यादा लुब्रिकेशन की ज़रूरत है, और दिमाग लैक्रिमल ग्लैंड को ज़्यादा लिक्विड प्रोड्यूस करने का सिग्नल भेजने लगता है, और ग्लैंड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टीयर्स बनाने भी लगता है, और पंक्ता इतने सारे टीयर्स को ड्रेन आउट यानी कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और इस वजह से टीयर्स ओवरफ्लो हो जाते हैं और आपकी आंखों से बाहर निकलने लगते हैं। ये है रिफ्लेक्स टीयर्स। और अब हम बात करने वाले हैं अपने सबसे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म वाले टीयर सिस्टम की, इमोशनल टीयर्स। अब हम बहुत ही इमोशनल होने वाले हैं, इसीलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में। गाइज, मार्केट में बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आया हुआ है जिसका नाम है अपस्टॉक्स, जिसमें रतन टाटा जी ने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है। इस प्लेटफॉर्म पर 1 मिलियन से ज्यादा लोग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इस ऐप से आप भी ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको बस इसमें रजिस्ट्रेशन करना है और उसके लिए आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी। पैन कार्ड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन करने में आपको केवल 5 से 7 मिनट लगेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें आपको ट्रेडिंग करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो ये ऐप आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस ऐप में आपको 28,000 रुपये तक के एडवाइजरी सर्विसेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। जनरली स्टॉक मार्केट में जब शेयर डाउन होता है
तब उसे खरीदते हैं और जब वो बढ़ जाता है तो उसे बेचकर प्रॉफिट कमाया जाता है। ऐसे ही आप भी प्रॉफिट कमा सकते हो। जल्दी ही अपस्टॉक्स वाले एक नया ऑप्शन लाने वाले हैं जिससे आप विदेशी कंपनियों के शेयर्स भी खरीद पाओगे। ये ऐप हिंदी में भी अवेलेबल है, तो इंतजार किस बात का, जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जब हमें बहुत ही इंटेंस इमोशंस जैसे बहुत ही ज्यादा खुशी या बहुत ही दुख वाली फीलिंग होती है तो जो टीयर्स हमारी आंखों से निकलते हैं उन्हें ही इमोशनल टीयर्स कहते हैं। हमारे मोस्ट ऑफ द इमोशंस को हमारा लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, और ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस के वक्त लिम्बिक सिस्टम हमारे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अब नाम से ही आपको ये समझ आ रहा होगा कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि ये सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली ही काम करता है, हम इसे खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। इसकी वजह से हमारे दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है और हमारा लिम्बिक सिस्टम लैक्रिमल ग्लैंड को ज़्यादा क्वांटिटी में टीयर्स रिलीज करने का सिग्नल भेजने लगता है, जिसकी वजह से टीयर्स ओवरफ्लो हो जाते हैं और आँख से बाहर आने लगते हैं। इन आंसुओं में बाकी दोनों टीयर सिस्टम से मुकाबले ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन और स्ट्रेस हॉर्मोन्स जैसे कि ACTH और एनफिलिन मौजूद होता है, जो कि एक नेचुरल पेन किलर होता है। इसीलिए जब आप सैड होते हो तो रोने के बाद आपको थोड़ा अच्छा फील होने लगता है, क्योंकि आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स आंसुओं के थ्रू आपकी आंखों से बाहर निकल जाते हैं। वैसे देखा जाए तो एक और कैटेगरी होती है टीयर्स की, लेकिन उसे भी हम इमोशनल टीयर्स में ही गिन लेते हैं। जैसे आप ये देखो, He's sad. Yeah. Oh no. Why is he sad? He wants his mama. Oh. Say mama. That made me sad. इसे देखने के बाद आप में से जो भी लोग नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा इमोशनल हैं, उनकी आंखें इस वक्त नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा गीली होंगी। इसे हम कहते हैं टीयर्स ऑफ एम्पथी। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक इतनी कम उम्र में इतनी हाई इमोशंस फॉर एम्पथी यानी दूसरों के लिए इमोशनल होने की भावना बहुत ही रेयर है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम दूसरों की फीलिंग्स के साथ और ज़्यादा कनेक्ट होने लगते हैं। अपने आप को सामने वाले की जगह इमेजिन करने लगते हैं, जिससे हम उसके इमोशंस के साथ और भी ज़्यादा कनेक्शन बना पाते हैं। और इसी वजह से आप किसी इमोशनल मूवी को देख के रोने भी लग जाते होगे। आपने ये तो देखा ही होगा नेहा। हाँ जी, आइए आपको कुछ दिखाता हूँ। दिखाओ। मेरा एक दोस्त था अशोक फिटनेस, उस बेचारे के दोनों हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, एक आंख नहीं थी, बस सिर्फ एक ही शौक था उसका, घूमने का। उसके परिवार वाले एक बार प्लास्टिक की थैली में ले गए घुमाने महाबलेश्वर, वादियां दिखाते दिखाते प्लास्टिक का थैला फट गया नीचे से और वो वादियों में चला गया और उसकी बची हुई एक आंख भी बंद हो गई। वेल, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन लड़कियों में लड़कों के मुकाबले ज्यादा इमोशंस होते हैं टुवर्ड्स एम्पथी। इसीलिए किसी इमोशनल मूवी को देखकर लड़कियां पहले रोना धोना शुरू कर देती हैं इंस्टेड ऑफ बॉयज। तो बॉयज, अगर मूवीज को देखकर आप नहीं रोते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम एक सख्त लौंडे हो। यू आर जस्ट इवॉल्व लाइक दिस। वेल, आज भी इस पर स्टडीज हो रही हैं कि आखिर क्यों हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग इमोशंस पर इस तरह रिस्पोंड करता है यानी रोने लगता है। माना जाता है कि इस तरह के रिस्पोंडिंग सिस्टम हमें हमारे एवोल्यूशन की वजह से मिला है। इवॉल्व होते होते हमारा लैक्रिमल ग्लैंड हमारे इमोशंस से किसी तरह जुड़ गया है। स्टडीज बताती है कि जब भी लोग आंसू देखते हैं तो उनके दूसरे सभी इमोशंस डाउन हो जाते हैं और उनके अंदर एक सेंस ऑफ हेल्प जनरेट होना शुरू हो जाता है। जैसे अभी मैं आपसे कहता हूँ कि आप कुछ ऐसा सोचो जिससे आपको थोड़ा गुस्सा आने लगे, मतलब सोचो कि आपको किसी ने बुली किया हो या फिर आपके टीचर या आपके बॉस ने बिना किसी वजह के आपको कोई एक्स्ट्रा काम दे दिया, या फिर आपके घर में आपको कभी अभी जल्दी ही डांट पड़ी हो। सोच लिया, डन। अब इसे देखो।
इसे देखने के बाद आप में से बहुत से लोगों के गुस्से के इमोशंस काफी हद तक कम हो गए होंगे और बहुतों के तो बिल्कुल खत्म हो गए होंगे। वैसे अगली बार अगर आपसे कोई गलती हो जाए और आपको डांट पड़ने वाली हो तो रोना इज नॉट अ बैड ऑप्शन, शायद आपको डांट थोड़ी कम पड़े। वेल, सामने वाले को रोता हुआ देख के हमारे अंदर एक फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि शायद उसे कोई चोट लगी है या फिर उसे किसी तरह की हेल्प की जरूरत है, और यही फीलिंग हमें एक सोशल बॉन्ड बनाने में मदद करती है, और इसी की वजह से हम इंसान एक सोशल एनिमल कहलाते हैं। इसीलिए आपके रिस्पॉन्स सिस्टम ने आपको तुरंत एक अलग फीलिंग देना शुरू कर दिया जब हमने आपको इन लोगों की फोटोज में आंसू ऐड करके दिखाया या फिर जब आपने इन फुटेजेस को देखा। तो दुनिया में बहुत से दूसरे एनिमल्स हैं जिनकी आंखों से लिक्विड निकलता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, और हम सोचते हैं कि इन्हें शायद कोई प्रॉब्लम है इसी वजह से ये रो रहे हैं, लेकिन अभी तक हुई स्टडीज हमें ये बताती है कि इंसान ही एक लौता ऐसा एनिमल है जो कि इमोशंस की वजह से रोता है। इस वीडियो में जो आप बिल्ली को रोते हुए देख रहे थे वो एक प्याज के कटने की वजह से रो रही थी। दूसरे एनिमल्स अपने इमोशंस को दिखाने के लिए अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन या बिहेवियर चेंजेस दिखाने लगते हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई पेट है तो आप उनके बिहेवियर से समझ जाओगे कि कब उनका मूड अच्छा है या फिर कब उनका मूड खराब है, कब उन्हें खेलने का मन कर रहा है और कब उन्हें खेलने का मन नहीं कर रहा है। वेल, आपकी लाइफ में ऐसा कब हुआ जब आपको बहुत ही ज्यादा खुशी हुई या बहुत ज्यादा दुख हुआ था, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, उन सभी को जिनके अभी बोर्ड्स के एग्जाम्स आने वाले हैं, आई नो नंबर्स डोंट मैटर इन द लॉन्ग रन ऑफ योर लाइफ, लेकिन आपकी लाइफ की सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत में आपको नंबर्स लाने के लिए जो एफर्ट डालना पड़ता है, जो मेहनत करनी पड़ती है, ये एफर्ट या मेहनत करने का जो एटीट्यूड है ये आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, बिलीव मी। सो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मार्क्स लाओ, खुद के लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए। आपके नंबर्स देखकर आपके पेरेंट्स की आंखों में ज़रूर आंसू आ जाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि वो आंसू किस चीज़ के होने चाहिए, खुशी के या फिर दुख के। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।